भारत में ब्लैक करंट एंटरटेनमेंट के नाम से अपना पहला परिवार अनुकूल ओटीटी प्लेटफॉर्म का बॉलीवुड और टीवी जगत की अभिनेत्री श्वेता सिन्हा और बॉलीवुड अभिनेता संदेश कौर के हाथों से भव्य लॉन्च किया गया। फिल्म और मनोरंजन उद्योग के प्रसिद्ध सितारों की उपस्थिति के बीच नागपुर में सदर स्थित माउंट रोड के LB होटल में रंगारंग समारोह का आयोजन हुआ। कलर्स चैनल के ससुराल सिमर का फेम श्वेता सिन्हा और तारक मेहता का उल्टा चश्मा, प्रतिज्ञा सरस्वती चंद्र के साथ साथ मीरादा और झिंग जैसे फिल्मों में काम किए हुए अभिनेता संदेश कौर ने ब्लैक करंट एंटरटेनमेंट का शुभारंभ किया। ब्लैक करंट एंटरटेनमेंट के निर्माता रितेश श्रीवास्तव, दिनेश श्रीवास्तव और मैनेजर शुभम श्रीवास्तव इनकी प्रमुखता से मौजूदगी थी। निर्माता रितेश श्रीवास्तव, इन्होंने ब्लैक करंट एंटरटेनमेंट के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि एक और प्लेटफॉर्म तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। भारत में ब्लैक करंट एंटरटेनमेंट पर पूरे परिवार के देखने लायक कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा। हमारे देश में एंटरटेनमेंट को बढ़ावा देने पर जोर है। इस प्लेटफॉर्म पर आप पूरी फिल्म, आध्यात्मिक चैनल, म्यूजिक चैनल, वेब सीरीज, किड्स चैनल के साथ साथ सभी टीवी चैनल का मजा दर्शक ले पाएंगे। यह OTT प्लेटफॉर्म सभी उम्र के लिए होगा और किसी भी अश्लील यौन या रक्तमय सामग्री को इस पर दर्शकों के लिए नहीं परोसा जाएगा। समारोह के एंकर परेश जाटवे, इन्होंने ब्लैक करंट एंटरटेनमेंट OTT के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मोबाइल और TV से अब सभी का मनोरंजन किया जाएगा। मेरा नाम रितेश श्रीवास्तव है। ये मैं नया OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रहा हूँ जिसका नाम है ब्लैक करंट। इसमें आपको सभी प्रकार के लाइव दर्शन, मूवीज़, वेब सीरीज, ऑल चैनल सभी देखने को मिलेंगे, जो बाकी कंटेंट में आपको बाकी जो जितने भी OTT कंटेंट है उसमें सभी प्रकार के यूनिवर्सल कंटेंट नहीं है। मेरे इस प्रोडक्ट में सभी प्रकार के यूनिवर्सल कंटेंट आपको देखने को मिलेंगे। प्लस ये साथ साथ अभी जितने भी आप देख रहे हो OTT प्लेटफॉर्म, सब में आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, सब्सक्राइब करना पड़ता है, जिसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है, और आपको वेब सीरीज के लिए अलग लेना पड़ता है, मूवीज़ के लिए अलग लेना पड़ता है। लेकिन ये मेरा ऑल इन वन प्लेटफॉर्म है जो टोटली फ्री रहेगा कस्टमर के लिए। यानी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे और इसमें जब आप इसको लॉगिन करोगे तो इसमें आपको किसी प्रकार का कोई सब्सक्राइबर चार्ज नहीं लगेगा। नागपुर वालों के लिए ये बेनिफिट है कि अभी तक अगर नागपुर में कोई भी सीरियल, मूवीज़ या वेब सीरीज बनती है तो उनको कहीं पर भी कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। वो अगर किसी प्लेटफॉर्म को लेने भी जाते हैं तो उसका कॉस्ट इतना ज़्यादा जाता है कि वो पे नहीं कर पाते। तो उनके लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत ईजी रहेगा। वो अपने मूवीज़, वेब सीरीज, सॉन्ग्स इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से डाल सकते हैं, जिसमें मैं किसी प्रकार का उनसे कोई चार्ज भी नहीं लेने वाला। और स्पेशली वो भी नागपुर के हैं, मैं भी नागपुर की हूँ, संदेश भी नागपुर का है। नागपुर के टैलेंट को यहाँ प्रमोट किया जाएगा, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। और मैं खुद भी नागपुर के लोगों को बोलना चाहूँगी कि नागपुर में जितना भी टैलेंट है आप सब लोग सामने आइए, ना सिर्फ लड़के बट लड़कियाँ भी। मैं ये बोलना चाहूँगी कि पेरेंट्स आप अपनी लड़कियों को भी सपोर्ट कीजिए इसमें, क्योंकि लड़कियों में भी बहुत टैलेंट है। लेकिन क्या होता है कि इस इंडस्ट्री में इजीली जाने नहीं दिया जाता, क्योंकि इस इंडस्ट्री को अच्छा समझते नहीं, जनरल ओपिनियन बोलती हूँ मैं। लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगी कि इसमें इतनी मेहनत है, और जैसे बुरे लोग हैं हर इंडस्ट्री में वैसे अच्छे लोग भी होते हैं, वैसे इस इंडस्ट्री में भी बहुत अच्छे लोग हैं। और अपनी बेटियों को सपोर्ट कीजिए, अपने बच्चों को सपोर्ट कीजिए, जो भी टैलेंट है नागपुर का सामने आइए। अलग अलग किस्म के कार्यक्रम होते हैं, जैसे किचन शोज़ है, ब्यूटी शोज़ है, जैसे आपने अभी एक ट्रेलर देखा, बहुत ही खूबसूरत ट्रेलर था, शॉर्ट फिल्म्स है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप जरूर इसे शॉर्ट फिल्म्स वगैरह बनाइए, रितेश जी के पास जाइए, ये ज़रूर ब्लैक करंट OTT पे उसे टेलीकास्ट करेंगे। और ये जो टैलेंट है नागपुर का, ये ज़रूर बाहर आना चाहिए। सबसे पहले रितेश श्रीवास्तव जी, उनकी टीम, उनकी फैमिली को धन्यवाद देता हूँ, बधाई भी देता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया कि हमारा नागपुर का क्यों ना एक OTT चैनल हो। कई सारे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, सिंगर, क्रिकेटर नागपुर से निकले, लेकिन OTT चैनल भी एक नागपुर में होना चाहिए। मोदी जी कहते हैं मेक इन इंडिया, रितेश जी कहते हैं मेक इन नागपुर, तो नागपुर से बनेगा, नागपुर में दिखेगा और नागपुर के स्टार बनेंगे। एक सोच होती है, एक सब्जेक्ट होता है, उसको प्रोडक्शन हाउस के द्वारा बनाया जाता है, लेकिन जब प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है तो वो डायरेक्टर, उस प्रोडक्ट के प्रोड्यूसर, एक्टर निराश हो जाते हैं, कई जगह भटकते हैं, कई प्रोडक्शन हाउस, कई कॉर्पोरेट कंपनी, कई OTT के पास भी जाते हैं, और जब उनको उस कंटेंट को लाइव करने के लिए मौका नहीं मिलता है तो निराश होकर इंडस्ट्री छोड़ देते हैं।
तो ऐसे ही निराश लोगों को खुश रखने के लिए रितेश श्रीवास्तव जी ने ब्लैक करंट ओटीटी का निर्माण किया है। ये एक ऐसा ओटीटी जहाँ पे आपको सभी देवी देवताओं के मंदिरों के लाइव दर्शन मिलेंगे, देश दुनिया की तमाम खबरें आपको इसमें देखने के लिए मिलेगी। साथ ही साथ अगर आप मूवीज के और म्यूजिक लवर है तो आपको फिल्में और गाने इसमें देखने सुनने के लिए मिलेंगे। कैमरा पर्सन अमोल के साथ अभिषेक मानसी, BCN न्यूज़ नागपुर।